हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मनु कौशल और आज डिस्कस करने लगा हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन्स कि कार्बोकेटाइन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है। तो आइए जान लें कि हाइपर कॉन्जुगेशन आखिर चीज़ क्या है, बेसिक टर्म है क्या। तो हाइपर कॉन्जुगेशन रेफर्स टू डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, डीलोकलाइजेशन का सीधा साधारण देसी मतलब ये है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से हिल जाएंगे, डीलोकलाइज हो जाएंगे। अगर कोई चीज़ एक ही जगह पड़ी रहे तो मैं कहूँगा जी वो चीज़ लोकलाइज्ड है, और अगर कोई चीज़ अपनी जगह से हट जाए और दूसरी जगह चली जाए तो मैं कहूँगा जी वो चीज़ डीलोकलाइज हो गई। सो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। नेक्स्ट जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो देखिए, द ओवरलैप ऑफ वेकेंट 2p ऑर्बिटल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन विद द सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ अ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डीलोकलाइजेस द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड डिस्पर्सेस द पॉजिटिव चार्ज। अब इसका मतलब क्या है, ये किस वेकेंट 2p ऑर्बिटल की बात करी है मैंने, ये मैं आपको अभी समझाने लगा हूं। देखिए, ये जो है दिस इज कार्बोकेटाइन, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 पॉजिटिव, दिस इज कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन है। इट्स अ प्राइमरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन ये क्यों है, क्योंकि जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है। देखिए, जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होता है वो प्राइमरी कार्बन होता है। ये कार्बन भी प्राइमरी कार्बन है क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन भी प्राइमरी कार्बन है क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा है। अब प्राइमरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, सो इट्स अ प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके पास एक 2p ऑर्बिटल खाली होगा। जब भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसके पास वेकेंट 2p ऑर्बिटल होगा ही होगा। देखिए कैसे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2। ये कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s2 ये वाले ड्रॉ किए मैंने, 2p2 ये ड्रॉ किए। कार्बन ग्राउंड स्टेट में कैन ओनली मैनेज टू फॉर्म फोर टू बॉन्ड्स। कार्बन सिर्फ दो बॉन्ड बना सकता है ग्राउंड स्टेट में, चार नहीं बना सकता। देखिए, कार्बन को अगर दो से ज्यादा बॉन्ड बनाने, आप यहां देखिए, अब ये कार्बन है या ये कार्बन कोई देख लीजिए, अगर इस कार्बन की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, ये कार्बन का है, ये कार्बन का है, ये कार्बन का है। तो कार्बन को अगर चार बॉन्ड बनाने हैं तो कार्बन के अपने पास चार अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सो कार्बन इस स्टेट में तो दो ही बॉन्ड बना पाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर पी ऑर्बिटल में जाता है, अब कार्बन के पास चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ कार्बन इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग फोर कोवलेंट बॉन्ड्स। अब इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इस कार्बन ने फिलहाल तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका ये रहा, एक बॉन्ड ये बन रहा है, दूसरा बॉन्ड ये बन रहा है, तीसरा बॉन्ड ये बन रहा है, और फोर्थ बॉन्ड जो है वो टूटा हुआ है। और इस कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, कोई और स्पीशी लेकर के भाग गई है। सो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये कार्बन भी पहले अपनी एक्साइटेड स्टेट में रहा होगा, इसने चार बॉन्ड बनाए होंगे और फिर इसका एक बॉन्ड टूट गया और इसका एक इलेक्ट्रॉन कोई स्पीशी लेकर भाग गई। सो इस कार्बन के पास अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन मैंने 2p ऑर्बिटल से निकाला हुआ है। सो कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज हैव अ वेकेंट 2p ऑर्बिटल। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और वो इलेक्ट्रॉन कहां से निकला होगा, वो इलेक्ट्रॉन निकला होगा 2p ऑर्बिटल से। सो ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, इस कार्बोकेटाइन का ये मैंने खाली 2p ऑर्बिटल ड्रॉ किया है। अब ये जो कार्बन है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ये, दूसरा ये, तीसरा ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसके साथ वाला कार्बन जो सिंगली बॉन्डेड कार्बन होता है, दिस इज सिंगली बॉन्डेड कार्बन, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, इसको अल्फा कार्बन बोल देते हैं। और ये जो साथ में तीन हाइड्रोजन्स लगे हैं, दीज आर रेफर टू एज अल्फा हाइड्रोजन, जिनको अल्फा हाइड्रोजन नाम दिया जाता है। सो अब कोई मेरे से पूछे कि जी ये जो कार्बोकेटाइन आपने ड्रॉ किया है, ये पूरा मॉलिक्यूल, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो मेरा जवाब होगा जी तीन हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। आई रिपीट, अल्फा कार्बन किसको बोलना है, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये जिसपे खाली ऑर्बिटल पड़ा है, इसके साथ वाले कार्बन को जो सिंगली बॉन्डेड है, द कंडीशन इज इट शुड बी सिंगली बॉन्डेड, जो सिंगली बॉन्डेड है दिस इज अल्फा कार्बन, और इसके साथ तीन अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। अब होगा क्या, ये कार्बोकेटायन है और यहां कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, यहां कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, दो दो चार दो छह इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा।
तो ये मॉलिक्यूल हर मुमकिन कोशिश करेगा इस कार्बन को ऑक्टेट पूरा करने की, इसको कुछ स्टेबलाइज करने की। तो ये जो अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देर आर टू इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड बेंड हो गया, ये बॉन्ड बेंड हुआ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी जगह से डीलोकलाइज हुआ। अपनी जगह से डीलोकलाइज होने का मतलब यह है कि अपनी जगह से हिल गया, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास था, ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली चला जाएगा इस कार्बन के वेकेंट 2p ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिटल में चला जाएगा और इस लोकेशन पर बन जाएगा पाई बॉन्ड। ये मैंने सामने शो किया है, पाई बॉन्ड बन गया और इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज रेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसके ऑर्बिटल में जा चुका है। सो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन से हुआ क्या, बच्चों कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी मिली। कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी मिलने का मतलब क्या है, देखिए किसी भी चार्ज स्पीशी को स्टेबिलिटी तब मिलती है जब उसके ऊपर से चार्ज हट जाता है। तो आप ये देखिए कि क्या जब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर को बेंड हुआ तो क्या इस कार्बन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हट गया, तो जवाब है जी हां हट गया। कार्बन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हट गया मतलब कार्बोकैटायन को क्या प्राप्त हुई, स्टेबिलिटी प्राप्त हुई, रादर जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन पर चला गया। अब जो कोशिश मैंने इस अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड से करी थी वो मैं इससे भी कर सकता हूं, इससे भी कर सकता हूं। सो यहां तीन अल्फा हाइड्रोजन हैं तो इसके तीन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, 1, 2 एंड 3। इसका मतलब इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने का प्रयास, इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने की कोशिश तीन बार हुई, एक बार इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, एक बार इसके थ्रू और एक बार इसके थ्रू। ये तीन स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ किए हैं। अब क्योंकि यहां पर देखने में ऐसा लग रहा है इन स्ट्रक्चर्स में कि कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड नहीं है, प्रैक्टिकली कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सो दिस हाइपर कॉन्जुगेशन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखिए रेजोनेंस का देसी मतलब क्या होता है, रेजोनेंस का लिटरल मीनिंग तो यह है कि अगर किसी कारण की वजह से, किसी कारणवश अगर किसी मॉलिक्यूल के मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं तो वो रेजोनेंस है। तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इस मॉलिक्यूल के मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक तरीके का रेजोनेंस है। सो इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस नाम इसलिए दे दिया गया क्योंकि यहां प्रैक्टिकली देखने से आपको कोई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। सो आई होप माई डियर फ्रेंड्स कि जो मैंने आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी ये आपको समझ में आई होगी। सो आप ये देखिए कि अगर मैं इन कार्बोकैटायन्स की बात करूं, दिस इज मिथाइल कार्बोकैटायन, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये कार्बन एक कार्बन से बॉन्डेड है, सो इट्स अ प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है। तो अगर आप यहां पर देखें इस कार्बन के पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, सभी पर पॉजिटिव चार्ज है तो सभी के पास वेकेंट 2p ऑर्बिटल पड़ा है, और एडजेसेंट कार्बन, साथ वाला कार्बन जो सिंगली बॉन्डेड होता है वो अल्फा कार्बन है, तो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो यहां अल्फा हाइड्रोजन 3, 3, 6 एंड 3, 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं। इसका मतलब यहां पर 9 बार प्रयास होगा इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का, सो ये कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद यहां पर यू हैव 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पर 6 बार प्रयास होगा, हियर यू हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन एंड यहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है हाइपर कॉन्जुगेशन करने के लिए। सो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि मैक्सिमम स्टेबलाइज कार्बोकैटायन जो होगा वो टर्शियरी कार्बोकैटायन होगा, दिस इज द मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकैटायन। सो माय डियर फ्रेंड्स ये मैंने बहुत ही बेसिक सी चीज बताई है। देखिए ऑर्गेनिक अगर आपने पढ़नी है, समझनी है, तो उसको आप बिल्कुल बेसिक से उठाइए, जस्ट राइज फ्रॉम द बेसिक्स। बड़ी बड़ी किताबें या बड़े बड़े फॉरेन ऑथर्स या बड़े बड़े वीडियोज, फॉरेन लेक्चर्स, उसको देखने का कोई तुक नहीं बनता जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता। मतलब केमिस्ट्री अगर आपने पढ़नी है तो रीड इट इन कंप्लीट देसी स्टाइल, मतलब दिमाग में बात जानी चाहिए, भेजे में बात जानी चाहिए कि मुद्दा क्या है और करना क्या है। सो माय डियर फ्रेंड्स आई होप कि जो मैंने आपको बताया समझाया वो समझ में आया होगा। नाउ जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आई एम ऑल्सो एन ऑथर, मैंने 2 बुक्स लिखी हैं और बुक्स अमेजोन पर और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हैं। आप डॉक्टर मनु कौशल के नाम से सर्च कर सकते हैं और उन बुक्स को खरीद कर अपनी तैयारी को और स्ट्रांग बना सकते हैं। सो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड
मेहनत करते रहिए. देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. थैंक्स फॉर बीइंग विद मी. टेक केयर. बाय बाय.